What is up दोस्तों, क्या हाल है? क्या आप OnePlus के फोनों में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हो? क्योंकि OnePlus का भी 3 नया नया माल आ गया है मार्केट में, और क्या कुछ नई नई चीजें होने वाली इस तीनों सभी फोनों में, और क्या कुछ नया नया माल मटेरियल भरा होगा, सभी की चीजों के बारे में बात करा जाएगा इस वाली वीडियो में। तो वीडियो पूरा कंप्लीट देखना दोस्तों। सबसे पहले चीज दोस्तों, तीन अलग अलग फोन आ रही है, OnePlus 9, OnePlus 9 Pro और OnePlus 9R, और अलग अलग फोन है दोस्तों, तो अलग अलग वेरिएंट्स भी मिल जा रहे हैं। और यहाँ पे जो 9 Pro और 9 वाला मैटर है, वो थोड़ा मोड़ा ऐसा सिमिलर सा फोन हो सकता है, क्योंकि दोनों के प्रोसेसर सेम है और काफी स्पेक्स थोड़ी मोड़ी ऐसे मिलते जुलते सा है। पर 9R वाला पूरा ही मैटर एकदम पूरा तगड़ा, एकदम अलग ही है। कलर्स में दोस्तों इस पर काफी ज्यादा तगड़ा एकदम इंप्लीमेंट किया गया है, क्योंकि अलग अलग तरह के कलर्स जो कि देखने में काफी ज्यादा एकदम डिफरेंट लेवल का लग रहा है। और उसके बाद फिर पीछे में बैक साइड पे दोस्तों कैमरे में एसएल ब्लेड की ब्रांडिंग और पूरा लुक एकदम मस्त मैटर कर रहा है एकदम इस वाले फोन में। बेसिकली इस 9 सीरीज में कैमरे पे सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। सोनी का जो IMX789 का जो प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का यूज किया जा रहा है। उसके बाद फिर 50 मेगापिक्सल का IMX766 वाला जो सेंसर है वो लगा दिया गया है। 8 मेगापिक्सल का दोस्तों 3x टेलीफोटो जूम लगा दिया गया है। 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। थोड़ा सांस लिया जाए दोस्तों। काफी तगड़ा नाम रखा गया है, इतना ज्यादा सेंसर यूज किया गया है। कैमरे में से दोस्तों इसमें बस 4 ही लगा दी गई है, पर नंबरें बहुत ही ज्यादा फैला दी गई है। अब जिन मेरे दोस्तों को ये नंबरें समझ में नहीं आ रही है, तो कोई उपाय नहीं है भाई, मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रही है। पर अगर आप लोगों ने नोटिस करा होगा, तो बैक साइड पे दोस्तों ये जो कैमरे का सेटअप है, वहां पे हैसल ब्लेड का ब्रांडिंग दी गई है, और इससे ये समझ में आ रहा है कि इसका जो कैमरे का आउटपुट होने वाला है, वो वैसे तो बहुत ही ज्यादा तगड़ा होने वाला है इस बार। पर एक चीज दोस्तों जो मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट करा, क्योंकि छोटे फोन में ऐसे बड़े सेंसर लगा दी गई है, क्योंकि जो 9R वाला जो मैटर है वो थोड़ा कम प्राइस पे आने वाला है, पर कैमरे उसमें दोस्तों 64 मेगापिक्सल का लगा दिया गया है, और यहाँ पे बड़े फोन्स में बस 48 मेगापिक्सल का सेंसर लगा गया है। तो ये क्या मैटर है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। पर ऐसा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये वीडियो मैं इसके लॉन्च होने से पहले बना रहा हूँ, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल्स मिल जाने वाली है। और रुको जरा, डिस्क्रिप्शन के बगल में सब्सक्राइब बटन भी है, या दबा दो उससे भी जोर से एकदम। अगर आप लोगों को दोस्तों पता ना हो, तो मैं 20 साल का एकदम गोल्ड मेडलिस्ट हूँ एकदम वर्ल्ड वाइड चैंपियनशिप। तो एक थोड़ा एकदम म्यूजिक सुन लिया जाए मेरा। डिस्प्ले को है दिन भर देखना, प्रैक्टिस कम बेसी करना, हाई रिफ्रेश रेट का मजा लेना, टीचर दीदी के साथ खेलना है? मेरे मुंह से निकल गई, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहे? सॉरी दोस्तों इस 2 रुपए की एकदम एक्टिंग के लिए। पर एक इंपॉर्टेंट चीज, आप किसी भी स्मार्टफोन में सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड उसके डिस्प्ले के साथ करते हो, और इसलिए OnePlus 9 में इसमें एक एमुलेट पैनल 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ लगा दिया गया है। और उसके बाद अगर जो प्रो वाली वेरिएंट है दोस्तों, उसमें LTPO वाला एकदम 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट विथ एमुलेट पैनल लगा दिया गया है, जो कि आपको यूजिंग एक्सपीरियंस को काफी ज्यादा तगड़े बनाएगा, क्योंकि LTPO वाला जो डिस्प्ले है वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा होता है। और इसका मतलब ये है कि अभी के जो फोन्स आ रहे हैं, जो अभी कर्व वाले फोन आ रहे हैं, वो उससे भी ज्यादा कर्व डिस्प्ले होने वाला है इस वाले जो प्रो वेरिएंट है उस पे। हमारे अंदर पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई दोस्तों, एनर्जी लेवल एकदम हाई होती जा रही है। हाँ, मुझे पता है आप लोग समझ चुके हो कि मैं किस चीज के बारे में बात करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, एकदम मस्त प्रोसेसर के ऊपर में बारे में बात करे जाएगा। तो OnePlus 9 और 9 Pro में, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप सभी लोगों को बताया था कि दोनों में सेम प्रोसेसर होंगे, और यहाँ पे स्नैपड्रैगन 888 वाला प्रोसेसर लगा दिया गया है। पर जो 9R वाला जो मॉडल है वो थोड़ा सा कम है दोस्तों, स्नैपड्रैगन 870 का प्रोसेसर लगा हुआ है, और दोनों ही फोनों के जो प्रोसेसर है वो एक 5G चिपसेट से है। तो ये आप एकदम मस्त फ्यूचर को देखते हुए के साथ भी एकदम खरीद सकते हो OnePlus R, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि जब तक 5G आएगा तब तक आपका फोन भी 5G है, तो फिर मजा आएगा यूज करने उड़ने में। और मतलब प्रोसेसर से ही समझ में आ रहा है दोस्तों कि फोन कितना ज्यादा फ्लेक्सिबल होने वाला है। कितना ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं, मतलब कितना ज्यादा तगड़ा परफॉर्मेंस देने वाला है। तो सभी वेरिएंट्स में और सभी सीरीज में एकदम 5G का सपोर्ट मिल जा रहा है। और उसके बाद जो OnePlus 9 और 9 Pro, इसमें 65 वॉट का
कंप्लीट एकदम फास्ट चार्जर दिया जा रहा है दोस्तों। और ऐसे डिस्प्ले में से थोड़ी बहुत ऐसे चेंजेस करके जो वन प्लस नाइन आर है उसका ऐसे 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट कर दिया गया है, तो उसे भी ये स्पेक्स के साथ लॉन्च करा जाएगा। और जो बैटरी कैपेसिटी है दोस्तों वन प्लस नाइन और नाइन प्रो का, उसमें 45 मिली एम्पीयर का बैटरी दिया गया है, और यहाँ पे वन प्लस नाइन आर में 5000 मिली एम्पीयर का बैटरी दिया जा रहा है। तो जो कम प्राइस है दोस्तों उस पर ज्यादा स्पेक्स के साथ थोड़ी मोड़ी ऐसे मतलब छिड़काव उड़काव डाला जा रहा है। और इस चीज से दोस्तों आप लोग समझ चुके हो कि जो प्राइसिंग का पूरा क्या मैटर होने वाला है इस पूरी 9 सीरीज में, पर जो 9R वाला जो फोन है वो थोड़ा कम प्राइस पे आएगा। और प्राइसिंग के सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाने वाली, जाके एकदम चेकआउट करो, सब्सक्राइब मारो। तीनों ही फोन में दोस्तों एंड्रॉइड 11 लगा दिया गया है, और बाकी के फोन के अंदर में दोस्तों कुछ कुछ अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर से मिल जाने वाले हैं, जो हमारी दृष्टि को दुनिया को और भी ज्यादा साकार और सुंदर बनाने वाला है। तो दोस्तों आप इस वाले सीरीज के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो बताइएगा जरूर नीचे कमेंट्स बॉक्स में। और अलग अलग तरह के जो वेरिएंट्स आप लोगों को मिल जा रहे हैं उसमें से सबसे बेस्ट वेरिएंट आपको कौन सा लगा प्राइसिंग के हिसाब से और सभी फीचर को रिलेट को लेके, तो दोस्तों इन तरह के इस तरह के और भी अलग अलग तरह के एकदम वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब मार दो मेरे चैनल को। और हम आपसे मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वाले वीडियो में। टाटा।